सनातन का विरोध करते करते स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में किया था, उनका अब अंत हो गया। वो फूके हुए कारतूस के रूप में सामने हम लोगों के आ गए। आपको बताते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी दिनों तक रहे और कैडर के आदमी रहे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी में जो कांशीराम जी ने कैडर बनाया था उस कैडर के आदमी थे, और बसपा के साथ काफ़ी दिनों तक इनका मंत्री तक का पद इनके साथ रहा। लेकिन बसपा को छोड़ने के बाद जब बसपा की नैया डूबने लगी तो बसपा का दामन छोड़ के इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा के साथ सांसद तक का सफ़र इन्होंने तय किया। लेकिन अभी कुछ एक या दो साल ही बीते हैं कि इनकी भाषा और बुद्धि बदलने लगी थी, और यह सनातन को गाली देते देते यह गाली देना रामायण तक को चालू कर दिया। और इन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ में जो PGI हॉस्पिटल की कॉलोनी है, वहाँ पे रामायण की एक प्रति को भी जला दिया गया। इसका पूरे देश में काफ़ी विवाद हुआ और उसी दिन से इनके अंत का समय भी चालू होने लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुजन समाज पार्टी से BJP गए, BJP से सपा गए, और सपा से अब उनको अपनी पार्टी तक बनानी पड़ी। आपको बताते चलें कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने सनातन पे काफ़ी प्रहार किया, और उस प्रहार से आहत होके, और इनकी बुद्धि की बात करें, इन्होंने बसपा को तो छोड़ा, भाजपा को छोड़ा, लास्ट में इन्होंने सपा को भी छोड़ दिया, और इसके साथ इन्होंने तीनों पार्टियों को भरसक जितना हो सके उतना कोसने की काम किया। अंत में इनको कोई जगह नहीं मिला तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जो कि इनका अपना गढ़ बोला जाता है, बोलते हैं कि कुशीनगर मेरा गढ़ है। और उसका परिणाम यह हुआ कि इनको वहाँ पर चौथा स्थान मिला। इनको वोट मिले मात्र 36,000, जो बताता है कि आप अगर सनातन का विरोध करेंगे तो जो साइलेंट वोटर्स हैं, जो सनातन, जो रामायण के प्रति को अपना आराध्य मानते हैं, उनको जलाने वालों को भारत में जगह नहीं मिलेगी। और इनको जगह नहीं मिली, इनको जवाब मिला, और इनको मात्र वोट मिले 36,000। पहले स्थान पे विजय दुबे रहे, जो कि बसपा के निकटतम प्रत्याशी को 72,000 वोटों से हरा के टोटल वोट 5,26,000 पाए और विजय प्राप्त हुए वहाँ पर। आपको बताते चलें कि अभी एक साल भी नहीं बीता है, इन्होंने रामायण के प्रति को जलाया, रामायण को गाली दिया, हिंदू सनातन को गाली दिया, और यह एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो हिंदू धर्म को बांटने का काम कर रहा था। लोगों ने इसको काफ़ी समझा, अच्छे से समझा, और ऐसे घुसपैठियों को जो सनातन धर्म में घुस के और उसको तोड़ने का काम करते हों, वो ऐसे लोगों को राजनीति में भी प्रश्रय न मिले, और इसका काम कुशीनगर की जनता ने बहुत अच्छे से किया और इनको जवाब दिया। आपको बताते चलें कि यह उस वक्त जब रिजल्ट आई तो यह फूके हुए कारतूस साबित हुए, क्योंकि यह अपने को घोषणा करते थे कि हम कुशीनगर से सीट जीत कर आएंगे, और हम भाजपा को चैलेंज कर रहे थे। वह भाजपा और सपा दोनों पार्टियों को चैलेंज कर रहे थे कि हम आपके दोनों पार्टियों को हराएंगे अपने चुनाव चिन्ह। आपको एक बात और बताते चले हम कि इसके इनके साथ इनके पुत्र भी हार गए हैं, और इनके जो लड़की संगमित्रा मौर्य थी, जो कि भाजपा में सांसद थी, उनको इस बार पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया था। यानी कि उस घर से, जिस घर से तीन तीन लोग टिकट पाते थे, जिसमें दो सांसद हुआ करते थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा छोड़ने के बाद जब सपा गए तो महासचिव तक का पद इन्होंने पाया। लेकिन आज स्थिति है, आम नागरिक की ज़िंदगी जी रहे हैं, और अब इनके भाषण और इनके जवाब, जो उलूल जुलूल बातें बोला करते थे सनातन पे, वो आना बंद हो गया है। कहीं ना कहीं इनको समझ आ गई है कि सनातन को गाली देना, हम कहीं ना कहीं उसको भोगना ही पड़ेगा। और कुशीनगर जनता इनको सिखा दिया कि आप रामायण की प्रति को जला के, देश के आस्था के साथ खिलवाड़ करके, आप फिर संसद भवन, देश के सर्वोच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च पंचायत में नहीं पहुंच सकते हैं। और इनको बताते हुए इनको मात्र 36,000 वोट ही मिला। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत वह भूमि है जो आतताइयों और विधर्मियों को बर्दाश्त नहीं करती है और उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। मैं एक बार और सुधीर शर्मा भट्ट आपके सामने, नमस्कार, प्रणाम।